नमस्कार दोस्तों, खमा गणी, मेरा नाम है गोविंद सिंह शेखावत। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राव जयसिंह के बारे में। बीकानेर नगर के राजा और बीकानेर नगर के स्थापक राव बीकाजी के पुत्र और राव लूणकरण जी के पुत्र राव जयसिंह विजय अवतार 1546 को राठौड़ कुल में अग्निशिखा के समान अवतरित हुए थे। और दोस्तों, राव जयसिंह का जन्म तलवारों की छाया और भालों की झंझनाहट और अश्वों की हुंकार के बीच में लालन पोषण हो रहा था और शिक्षा और प्रशिक्षण चल रहे थे। दोस्तों, राव जयसिंह ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ददरेवा के चौहान चौहानों से युद्ध छिड़ गया था। दोस्तों, मात्र 16 वर्ष की आयु में बालक जयसिंह ने अपने पिता और अन्य भाइयों के सामने हट पूर्वक कहा कि युद्ध कौशल की भांति मैं भी चलूँगा, युद्ध कौशल सीखने के लिए मैं भी चलूँगा। तो दोस्तों, बालक जयसिंह मात्र 16 वर्ष की आयु में ददरेवा के चौहानों के नगर को घेरने के लिए जा पहुंचा और अपने रण कौशल से अपने पिता के साथ राव जयसिंह ने ददरेवा के चौहान का नगर जीत लिया। और मात्र 7 वर्ष महा के संघर्ष के बाद बालक जयसिंह को ये एहसास हुआ कि क्षत्रिय धर्म का एक ही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करो, युद्ध करो। और राव जयसिंह ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम युद्ध जीत कर ददरेवाओं के चौहानों के साथ युद्ध जीत कर अपने विजय का स्वाद चखा। 6 वर्ष समाज जीवन और प्रजा के रंग ढंग को समझने में उनका निकल गया। और मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर बात करेंगे राव जयसिंह के जीवन काल के बारे में और उनके युद्ध नीति और दिल्ली के सुल्तान कामरा के साथ हुए बीकानेर जिले के अंदर युद्ध के बारे में हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। खमा गणी, जय माता जी रिसा।